हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रेसअप विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज की वीडियो जो है ना, मीशो हॉल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी आज टॉप्स एंड शर्ट्स जो कि आप समर्स के अंदर पहन सकते हैं। बहुत क्यूट क्यूट टॉप मैंने जो है इस बार ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मीशो पे जो है ना बहुत ही तरह की वैरायटी के टॉप जो है अवेलेबल हैं, महंगे प्राइस के अंदर भी, सस्ते के भी अंदर भी। लेकिन मैं जो है ना अंडर 300 के बजट के अंदर इस बार लेकर आई हूँ टॉप, क्योंकि हर कोई जो है ना महंगे महंगे टॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अफोर्डेबल रेंज के अंदर मैं लेके आई हूँ ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। इन सब की क्वालिटी जो है ना डिसेंट क्वालिटी है, प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी किस किस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ट्राई ऑन जो है इन सबका आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, प्राइस भी स्क्रीन पर दिख जाएगा। लिंक्स जो है मैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, कुछ भी प्रोडक्ट आपको समझ में आता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dressup.preet। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट टॉप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है ये पिंक शेड के अंदर, टैंक टॉप स्टाइल के अंदर स्लीवलेस ऐसा टॉप है ये। आगे इसके जो है ना ऐसे हार्ट हार्ट का बड़ा क्यूट 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 सा डिज़ाइन बना हुआ है बेबी पिंक के अंदर, वाइट के ऊपर। पीछे से भी इस तरीके से है, आगे से भी इस तरीके से है। स्लीव्स पे ऐसे जो है ना बैंड दे रखा है, गले पे भी जो है इसके बैंड दे रखा है, ताकि आपका नेक जो है ना इधर उधर खिसके ना। क्वालिटी जो है ना इसकी बहुत ही सही क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। ये जो कपड़ा है ना ये पॉलिएस्टर नहीं है, प्रॉपर लाइक्रा कॉटन मिक्स वाला कपड़ा है ये। ऐसा कपड़ा है, बहुत स्ट्रेच है ना इसके अंदर, देखो स्ट्रेचेबल है, आपको पता लग जाएगा कितना स्ट्रेचेबल है ये। मुझे इसकी क्वालिटी इतनी ही ज़्यादा बेटर लगी है ना, मज़ा आ गया मुझे तो भाई इस टॉप को देखकर। पहना हुआ भी बहुत क्यूट सा लग रहा था। अगर आपको इस तरीके के टॉप पसंद है ना तो आप ट्राई करें, ज़रूर डेफिनेटली ट्राई करें। क्योंकि ना मैंने मिंत्रा पे भी देखे हैं ऐसे ऐसे टॉप जो है टोक्यो टॉकीज ब्रांड के साथ, साफ्रस ब्रांड के। ये किसी ब्रांड का नहीं है लेकिन क्वालिटी इसकी उसके बराबर ही है, मैं कहूँगी। इनफैक्ट एक दो टॉप मेरे पास है उनसे बेटर इसकी क्वालिटी है। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये टॉप। आई रिकमेंड कि आपको अगर कुछ ऐसे ऐसे यूनिक से प्रिंट के अंदर कोई टॉप चाहिए तो आप गो फॉर इट, ले लो इसको, ख़रीद लो आंखें बंद करके। नेक्स्ट टॉप जो मैंने लिया है ना वो है ये ऑरेंज शेड के अंदर इस तरीके का, ये क्रॉप टॉप। ये जो है ना क्रॉप टॉप है, पिछले वाला जो है लॉन्ग पूरा प्रॉपर लेंथ का टॉप था, क्रॉप टॉप है ये। स्क्वायर इसकी नेक है, आगे पूरे बटन्स दे रखे हैं, सारे बटन्स ओपनेबल हैं ये। फुल इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव पे भी ऐसे दो बटन की जो है डिटेल दे रखी है। आगे से ऐसा है, पीछे से ऐसा है। 38 साइज़ में मैंने लिया है एम साइज़ के अंदर। मटेरियल जो है ये 100% कॉटन है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, 100% कॉटन मटेरियल के अंदर है। मेरे जो है ना ये 38 भी लूज़ है, लेकिन मैंने इसको एक्सचेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉटन मटेरियल है ना, हो सकता है कि वॉश करने के बाद श्रिंक हो जाए। अगर नहीं होता श्रिंक तो मैं साइड पे इसके सिलाई मार लूँगी, टॉप सही हो जाएगा। आपको अगर ट्रू टू साइज़ चाहिए तो आप जा सकते हैं प्रॉपर साइज़ के ऊपर, आप मत जाना, ट्रू टू साइज़ जाओ। अगर लूज़ होगा तो एक्सचेंज कर देना, अगर आपको नहीं प्रॉब्लम तो आप ट्राई कर सकते हैं। क्वालिटी 100% 100 कॉटन मटेरियल है। फैब्रिक इस पे जो डिज़ाइन दे रखा है ना, ऐसे कांथा स्टिच दे रखा है, कांथा स्टिच के अंदर है, जो कि आपको बहुत ही एक महंगी लुक देगा इसको पहनने के बाद। ऐसा नहीं लगेगा कि सस्ता, अफोर्डेबल रेंज का है पहना हुआ, बहुत ही रिच लुक जो है वो आपको देने वाला है ये टॉप। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ना वो मैंने ली है ये वाइट कलर के अंदर शर्ट, फुल बटन डाउन शर्ट है, फुल इसकी स्लीव्स है, आगे बटन की डिटेल दे रखी है, कॉलर इसका इस तरीके से कॉलर्स इसमें दे रखे हैं, आगे से भी ऐसे है, पीछे से इस तरीके की है। इसमें मैंने साइज़ लिखा नहीं हुआ, वही 38 या 40 साइज़ लिया होगा। और फैब्रिक जो है ना इसका इस तरीके से टेक्सचर्ड वाला फैब्रिक है, ना ये कॉटन है ना ये पॉलिएस्टर है। गर्मी में मैंने इसको काफ़ी देर तक पहन के रखा था शर्ट को ना, जीन्स के साथ, मुझे इसमें गर्मी नहीं लगी थी। आपको अगर वाइट शर्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये अफोर्डेबल रेंज में है, महंगी नहीं है, तो हर कोई ट्राई कर सकता है इसको। नेक्स्ट टॉप जो है वो मैंने पोलो टी शर्ट स्टाइल के अंदर लिया है। इस तरीके से ना आगे इसके वी नेक दे रखा है, वाइट कलर के कॉलर दे रखे हैं, हाफ स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी ऐसे दे रखी है वाइट पट्टी। ये जो है प्रॉपर रिब्ड मटेरियल के अंदर है, आगे से ऐसा है, पीछे से ऐसा है।
अगेन इसका रिप्ड मटेरियल भी जो है ना बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट ऑन स्क्रीन है। आप ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी ना ये, बहुत सॉफ्ट है। ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट टी शर्ट्स ना गर्मी में मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, कहीं बाहर नहीं पहन के जाना, घर पे पहनने के लिए भी बहुत सही है ये। मैं अगर इसको कहीं बाहर नहीं पहनूंगी तो मैं इसको घर पे पहन लूंगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। गर्मी के अंदर मैं तो ढूंढती हूँ कुछ ऐसा मिल जाए ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो, जो स्किन के ऊपर रफ ना हो, रैशेस ना पड़े, क्योंकि गर्मियों में रैशेस स्वेटिंग होती है ना, तो रैशेस पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप कोई टी शर्ट सॉफ्ट मटेरियल के अंदर ढूंढ रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, अच्छी टी शर्ट है। नेक्स्ट जो मैंने टॉप लिया है ना, वो मैंने लिया है ये ब्लैक एंड वाइट शेड के अंदर। अगेन स्वीट हार्ट नेक इसका दे रखा है, पफ्ड स्लीव्स हैं, एल्बो तक मेरे को आ रही थी, आगे से ऐसा है, पीछे से इस तरीके का है ये। बट इस पे ना जो ऐसा एक्सट्रैक्ट प्रिंट दे रखा है ब्लैक एंड वाइट का, इसका फैब्रिक जो है ना पॉलीएस्टर मटेरियल है, लेकिन स्ट्रेचेबल पॉलीएस्टर है, ठीक है। आप अगर इसमें अपने ट्रू टू साइज़ पे जाते हैं तो बिल्कुल सही, क्योंकि स्ट्रेचेबल है ना, तो लूज पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ट्रू टू साइज़ है। आप चेकआउट कर लो ट्राई ऑन में कैसा लग रहा है, ठीक ठीक है। इसके अंदर ना और भी डिज़ाइंस ऐसे प्रिंट में ना और भी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि कई कुछ पेपलम में भी है, कुछ राउंड नेक में भी है, मुझे ये सही लग रहा था तो मैंने इसलिए ये लिया है। क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, सी थ्रू मटेरियल नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेचेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप जो मैंने लिया है वो मैंने ये लिया है ये रेड शेड के अंदर। ये जो है ना प्रॉपर क्रॉप टॉप है, आगे इसके वी ऐसे दे रखा है और स्क्वायर नेक है, और नेक जो है ना इसका डीप है, आप देख लेना ट्राई ऑन में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी डीप ये है। अगर आप डीप नेक प्रेफर करते हैं तो आप जा सकते हैं। इस तरीके का है ये, आगे से ऐसा है, पीछे से ऐसा है, अगेन रिब्ड फैब्रिक है, हल्का सा सी थ्रू है, लेकिन डार्क शेड है ना तो स्किन विजिबल नहीं होगी। प्राइस इसका बहुत कम है, आई थिंक 200 से भी कम, 150 के आसपास का ये टॉप है शायद, अगर उतने का है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप ट्राई ऑन में देख लो। और अगेन इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, बस यही इसमें प्रॉब्लम है कि हल्का सा सी थ्रू है, अदरवाइज फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगला टॉप जो है वो है ये ब्राउन शेड के अंदर मैंने जो लिया है, अगेन रिप फैब्रिक में, राउंड इसका नेक है, हाफ स्लीव्स है, स्लीव्स और गले पे ऐसे वाइट पट्टी दे रखी है, आगे वाइट कलर के बटन्स की डिटेल दे ब्राउन वाइट कपड़े पे ना ब्राउन कलर के बटन्स की डिटेल दे रखी है, आगे से ये ऐसा है, पीछे से सिंपल है। अगेन अगर आप कोई सिंपल डिसेंट सा कोई ऐसा रिप टॉप ढूंढ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। आप इसका जो फैब्रिक है अगेन बहुत सॉफ्ट है। मैंने जितने भी रिप्ड मटेरियल के अंदर टॉप की वीडियोज़ में टॉप शेयर करे हैं ना, मुझे सबके फैब्रिक जो है ना बहुत सॉफ्ट लगे हैं, अच्छे लगे हैं, हार्श ऑन स्किन नहीं है। आप देख लो कैसा लग रहा है ट्राई ऑन के अंदर, मुझे अच्छा लगा। बस ये है कि इन टॉप्स के अंदर ना बस ये है कि इनकी क्वालिटी जो है ना और इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन प्राइस इन्होंने काफ़ी कम रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक ठीक है, सही है। लास्ट एंड फाइनल टॉप मैंने लिया है वो ये है ये वाइट शेड में, इस तरीके का इसका नेक है, नेक पे डिज़ाइन दे रखा है, ये पफ्ड स्लीव्स हैं, आगे ऐसे पट्टी दे रखी है। मुझे ये टॉप अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, पहनो हुआ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे इसकी फैब्रिक भी जो है अच्छा नहीं लगा। स्ट्रेचेबल तो है लेकिन चीप वाला है, बहुत ज़्यादा चीप लुक मुझे लगी ना इसकी, मुझे अच्छा नहीं लगा है ये टॉप, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी ये लेने के लिए। ठीक ठीक है, मतलब काम चलाऊ से आया, एक दो बार पहन के मन भर जाएगा, मतलब मैं तो उसको सोच रही हूँ रिटर्न ही कर दूँ, मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगा ये, तो देखते हैं मैं रिटर्न करूँगी या रखूँगी, लेट्स सी। तो यस, ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स, आई होप आपको सारे प्रोडक्ट्स और वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dressup.preet। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।